तो हेलो दोस्तों, मैं फिर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक मजेदार कमाल कहानी लेकर के। इस मूवी में हमें एक आदमी को दिखाया जाएगा जिसके साथ सभी लड़कियां डिंग डोंग करना चाहती हैं। आखिर क्या खास बात है उस आदमी में, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। इस मूवी का नाम है गुड लक चक और ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो लोग बारी बारी से लड़कियों के साथ एक रूम में जाकर कुछ भी कर सकते थे। तभी हमें दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक कहता है कि मैं दुद्धू पीऊँगा और दूसरा कहता है कि मैं किस करूँगा। दुद्धू वाले लड़के का नाम शॉन्ट होता है और किस वाले लड़के का नाम चार्ली होता है। शॉन्ट की बारी आती है लेकिन उसके पार्टनर के पास वो नहीं होता जो उसे चाहिए था। अब बारी आती है चार्ली की। चार्ली के साथ एक ऐसी लड़की जाती है जो काफ़ी खतरनाक लग रही थी, मानो कोई चुड़ैल हो। अब ये चुड़ैल चार्ली से कहती है कि मुझे पूरी खुदाई करवानी है, लेकिन चार्ली की तो इससे फट ही रही थी, तो वो कहाँ बेचारा खुदाई कर पाता। तभी चार्ली इस लड़की को निराश करके बाहर भाग जाता है। फिर वो चुड़ैल बाहर आकर चार्ली को श्राप दे देती है कि जा, तेरा जिंदगी भर खड़ा नहीं होगा, तू जिस भी लड़की के साथ कुछ भी करने जाएगा ना, वो तुझे छोड़कर भाग जाएगी और तेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अब चार्ली और शॉर्ट बड़े हो जाते हैं। शॉर्ट दूधों का काम करने लगता है, मतलब वो लड़कियों के ब्रेस्ट का इलाज करता था। चार्ली डेंटिस्ट होता है। चार्ली बीच पर एक लड़की के साथ डिंग डोंग कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। इतने में ही वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन चार्ली और शॉर्ट एक वेडिंग में जाते हैं, जहाँ जिसकी वेडिंग थी वो लड़की माइक पर सबसे कहती है कि चार्ली बहुत लकी है, अगर तुमसे अच्छा और अमीर हस्बैंड चाहिए तो चार्ली के साथ बैंग बैंग कर लो और तुम्हें वो मिल जाएगा। मतलब चार्ली ने इस लड़की को भी बजाया था। अब तक लड़की चार्ली के पास आती है और इस लड़की का नाम केम होता है। केम चार्ली के पास आकर कहती है और काफ़ी बातें करने लगती है, जिसके बाद चार्ली केम को पसंद करने लगता है। अगले दिन चार्ली अपने ऑफिस जाता है और देखता है कि वहाँ पर काफ़ी लेडीज आई होती हैं। सब चाहती हैं चार्ली के साथ अपने खेत की खुदाई करवाना, क्योंकि वो चाहती थी कि चार्ली से ज़्यादा अमीर लड़का उन्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन चार्ली को वो बीच वाली लड़की मिलती है जो आज एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तब चार्ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी भी शादी होने वाली है। तब वो लड़की बताती है कि हाँ, और वो भी एक अमीरजादे से। अब चार्ली को एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरी खेत की खुदाई कर लो ताकि मैं भी तुमसे शादी कर सकूं। तभी चार्ली के पास केम का कॉल आता है, जिसमें केम कहती है कि मेरे दांत में प्रॉब्लम है। अब चार्ली उसे अगले दिन अपने क्लिनिक बुलाता है और उसके दांत सही करने लगता है। यहाँ पर केम चार्ली को काफ़ी परेशान करती है, लेकिन चार्ली उसे माफ़ कर देता है क्योंकि केम के साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी। चार्ली घर आता है और देखता है कि एक मोटी सी लड़की चार्ली के घर आई होती है उसके साथ अपने खेत की खुदाई करवाने, और वो चार्ली के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें गंदी लग रही हूँ तो अपनी आँख बंद कर लो, बस एक बार मेरे खेत की खुदाई कर लो। अब अगले दिन चार्ली अपने दोस्त शॉर्ट को सारी बात बता देता है और कहता है, साले तुझे वही लड़की मिली थी संभोग करने के लिए, यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियाँ परेशान है, तूने उस भैंस के साथ संभोग कर लिया। हाँ, चार्ली को समझ आता है कि सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। अगले दिन चार्ली मार्केट से प्रोटेक्शन का पूरा पैकेट ले आता है और अपनी गन को भी तैयार कर लेता है और शहर की सारी हसीनाओं को रौन देता है और उन सारी लड़कियों को अपने अपने लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं। चार्ली पुलिस वाली को भी नहीं छोड़ता और उनसे दबा दबा कर खूब खर्चा करवाता है। लेकिन अब चार्ली को एहसास हो गया था कि उसे ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसे तो सच्चा प्यार चाहिए। इसलिए अब चार्ली फकिंग करना बंद कर देता है, सिर्फ केम के बारे में ही सोचने लगता है। अब चार्ली केम के घर जाता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर केम का भाई आ जाता है और वो चार्ली से कहता है कि मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। इतने में ही केम अपने भाई का मुंह बंद कर देती है। अब चार्ली केम से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन केम मना कर देती है। तभी चार्ली पूछता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं जा रही हो, आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तब केम कहती है कि तुम लड़कियों को छोड़ देते हो, पर चार्ली कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, बल्कि वो सारी लड़कियां मुझे छोड़कर चली जाती हैं। अब चार्ली कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब केम डिनर के लिए मान जाती है और ये दोनों डिनर पर जाते हैं। अब चलते चलते केम एक पिलर से टकरा जाती है, क्योंकि उसके साथ ये सब हो रहा था। तभी चार्ली केम उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी केम चार्ली को किस कर लेती है, जिससे चार्ली के दिल में गिटार बजने लगती है। अब एक दिन फिर से केम चार्ली के पास आती है और सीन बनने ही वाला होता है। तभी चार्ली का फ्रेंड शॉन की कॉल आ जाती है और कहता है, तू केम के साथ बिल्कुल भी फकिंग मत करना,
वरना केम की भी शादी कहीं और हो जाएगी। अब चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो शॉन्ट की बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और वो केम के साथ डिंग डोंग भी नहीं करता बल्कि बहाना बना देता है और वहाँ से निकल जाता है। शॉन्ट चार्ली का वो स्ट्रैप तोड़ना चाहता था, तभी वो चार्ली को बताता है अगर तुम्हें केम के साथ रहना है तो तुम्हें श्राप को तोड़ना पड़ेगा। अब ये लोग एक काफ़ी मोटी लड़की को ढूंढते हैं जिसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। शॉर्ट कहता है कि अगर तूने इसके साथ डिंग डोंग कर लिया तो इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी और तेरा श्राप टूट जाएगा। अब चार्ली उस लड़की को पैसे देकर संभोग के लिए मनाता है और ना चाहते हुए भी उसके साथ संभोग कर लेता है। अब चार्ली इंतज़ार करता है उस लड़की की शादी होने का। वहीं दूसरी तरफ चार्ली केम से दूर रहने लगती है क्योंकि वो श्राप टूटना था, लेकिन केम सोचती है कि चार्ली को लड़के पसंद हैं। बेचारी को क्या पता कि चार्ली ने आधा शहर खोद डाला था। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, उस लड़की की शादी नहीं होती। अब चार्ली को लगता है कि मेरा श्राप टूट गया। तभी वो तुरंत अपने औजार के साथ केम के पास पहुँच जाता है और उसे घिराकर दबाने लगता है और तरह तरह के पोज बनाकर उसकी खुदाई करने लगता है। तभी उस मोटी लड़की की शादी हो जाती है और अब चार्ली की हवा निकल जाती है कि कहीं केम की भी शादी ना हो जाए। अब चार्ली हर तरह से केम का दिल जीतने लगता है, लेकिन केम उसकी हरकतों से इरिटेट होने लगती है। अब चार्ली उदास होकर बैठ जाता है, तभी उसे वो श्राप वाली लड़की याद आती है और चार्ली तुरंत उस लड़की के घर जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ जितनी बार भी चाहो उतनी बार कर लो, ये लो मेरा औजार। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना। अब चार्ली उसे श्राप हटाने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मैंने तो ऐसा मजाक में कहा था, ऐसा कोई श्राप ही नहीं है। चार्ली केम के पास वापस भाग जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की ने वो श्राप हटा दिया होता है और अब चार्ली को केम मिल जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि शॉर्ट जिसे दुद्दू ज़्यादा पसंद था उसकी शादी 3 दुद्दू वाली लड़कियों से हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।